अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं कि आपकी वार्डरोब कभी भी ख़राब ना हो, यानी कि साल में एक ही बार आप उसको ऑर्गेनाइज करें, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपकी वार्डरोब कभी भी ख़राब नहीं होगी और हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज मेरी अलमारी है वो ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और जैसे कि नई अलमारी होती है तो उसमें हम किस तरह से सामान है वो रखने वाले हैं। किसी भी चीज़ को हम फर्स्ट टाइम अगर यूज करते हैं तो उसमें डायरेक्टली हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो नई अलमारी मैंने बनवाई थी वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि पहले वाली जो अलमारी थी मेरी काफ़ी छोटी थी, स्पेस कम था, कपड़े नहीं आ रहे थे। और जब नई बनवाई थी उसमें मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक साल हो गया अभी तक कपड़े ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं, डीप क्लीनिंग मेरे से नहीं हो पाया था। तो आज मैंने सोचा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो ये कुछ आइडियाज मैं आपके साथ नए शेयर करने वाली हूँ। सबका तरीका अलग होता है अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। कोई बास्केट का यूज करता है, कोई ऑर्गेनाइजर का यूज करता है, कोई नॉर्मल तरीके से कपड़े रखते हैं, कोई कपड़ों को हैंग करके भी अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं ज़्यादातर कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइजर या बास्केट यूज नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखती हूँ। कुछ अलग अलग तरीके से हम कपड़े रख सकते हैं, किस तरह से रख सकते हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ फोल्डिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। और कपड़ों में कभी कभी हो जाता है ना, ज़्यादा इसमें लेयर आ जाती है, सलवटें आ जाती है, उसका क्या रीजन होता है। नई अलमारी है उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरे कपड़े हैं वो किस तरह से दिखने वाले हैं, वार्डरोब में लुक आएगा कि नहीं आएगा, उसमें मेरे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे या नहीं, ये सब हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलमारी में कपड़े ऑर्गेनाइज करना काफी बड़ा मुश्किल टास्क है, ऐसे में अगर हमें कुछ आसान टिप्स मिल जाए जिससे कि हमारी वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए तो आराम से ये काम हो सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले जब हम कपड़े फोल्ड कर रहे होते हैं तो उससे पहले जहाँ पे भी हम बैठने वाले हैं कपड़े को फोल्ड करने के लिए, बेड है तो बेड को मैंने क्लीन कर लिया है। कभी कभी छोटी मोटी गलती की वजह से हमारी पूरी वार्डरोब धीरे धीरे बिखरने लग जाती है और एक दिन हमें कड़ी घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए कुछ आसान टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपकी वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी। कुछ आसान टिप्स लेके आई हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देख। तो मैंने सबसे पहले बेड को क्लीन किया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, पिलो इधर उधर रखे हुए थे उनको एक साइड में लगा दिया है और वार्डरोब से सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। और बेड का एक कॉर्नर मैंने इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम कपड़े फोल्ड करने वाले हैं। तो वार्डरोब के अंदर आप कोई न्यूज़पेपर या फिर आपके पास कोई दूसरा कवर है तो वो ज़रूर लगा लें जिससे कि कपड़े नीचे डस्टिंग ना पकड़े और ख़राब ना हो। तो अब हम कपड़ों को फोल्ड करना शुरू करेंगे। कपड़ों को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पटियाला सूट है आप उनको अलग फोल्ड कर सकते हैं, और आपके जो प्लाजो कुर्ती है उनको आप अलग से रख सकते हैं फोल्ड करके, और कुर्ती को आप इस तरह से फोल्ड करें अंदर की साइड में जिससे कि अगर आप कैसे भी अलमारी के अंदर रखें, चाहे सलवार के बीच में रखें या फिर ऊपर, तो आपकी जो कुर्ती है वो बिल्कुल भी बिखरी बिखरी नहीं लगेगी और लंबे समय तक ऐसे ही फोल्ड रहेगी। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अक्सर कपड़े इधर उधर रख देते हैं ये सोच के कि हम बाद में कर लेंगे। ऐसा धीरे धीरे होते होते हमारा पूरा वार्डरोब अस्त व्यस्त हो जाता है और इसके बाद हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे मेरे जितने भी कपड़े हैं उनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रही हूँ, जैसे कि आपके पटियाला सूट अलग रखें, प्लाजो सूट अलग रखें और जो नए कपड़े हैं उनको अलग रखें, और डेली वेयर के कपड़े हैं उनको तो हमें हमेशा अलग ही रखना चाहिए। कभी कभी हम वार्डरोब के अंदर गैर जरूरी सामान रख देते हैं और इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है, और इसके बाद हमें जब वार्डरोब सेट करनी होती है तो काफ़ी टाइम टेकिंग और थका देने वाला काम लगता है। सबका कपड़े फोल्ड करने का तरीका भी अलग होता है, वैसे ही मैं प्लाजो के बीच में हमेशा कुर्ती और दुपट्टा रखती हूँ जिसकी वजह से ये इधर उधर ज़्यादा बिखरते नहीं है। जब हमें कपड़े पहनने होते हैं तो हमें अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने कपड़ों को वार्डरोब से ज़रूर निकालें जब भी आप वार्डरोब की सफाई करें, या फिर कुछ ऐसे कपड़े जो कि आप कभी कभार ही पहनते हैं यानी कि ना के बराबर, तो उन कपड़ों को हमेशा आप वार्डरोब में ना रखें और निकाल के या तो आप अपने स्टोर रूम में रख सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जींस को फोल्ड करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं अगर आपकी वार्डरोब में स्पेस कम है, ड्रॉवर्स हैं, अगर आप ड्रॉवर्स का दूसरे काम में यूज नहीं करते हैं तो आप उसमें जींस को रोल करके रख सकते हैं, क्योंकि जींस होती है या फिर जो हमारे लोवर्स होते हैं पजामे टी शर्ट, इनको आप रोल करके रख सकते हैं, इसमें सलवटें कम पड़ती हैं तो काफ़ी टाइम के बाद भी आपको ऐसे ही मिलेंगे।
मैं ऑर्गेनाइज़र का इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि जो हेवी वाले ड्रेस होते हैं ना, जैसे कि गाउन हो गया या फिर हमारे शरारा ड्रेस हो गए, प्लाजो कुर्ती गाउन वाले ड्रेस हो गए, तो ये स्पेस ज़्यादा कवर करते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऑर्गेनाइज़र का बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। मैं कपड़े फोल्ड करते जाऊंगी और ये फेंकते जाएगा। यही वजह है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं जो कि मुझे धीरे धीरे सलटाने हैं, यानी कि कंप्लीट करने हैं। वेट बढ़ने की वजह से कुछ ऐसे ड्रेस जो कि मुझे फिट नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनको ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ, बास्केट में रख रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो मुझे आ ही जाएंगे ये वाले ड्रेस। ये वाला ड्रेस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है इसका, और ये इसका जो कलर है ना, फेल्ड नहीं हुआ, यानी कि ख़राब नहीं हुआ, 3 साल से कंटिन्यू इसका कलर है, वो ऐसा का ऐसा ही है। मैं पहन रही हूँ और पहनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये थोड़ा सा फिट आ रहा है, तो मैं वेट करूँगी कि कब मैं ये पहनूँगी। ऐसे ड्रेस जो कि हम कभी कभी पहनते हैं, जब भी आप वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनमें सब में आप प्रेस करके ना रखें फिर से, क्योंकि कुछ टाइम के बाद प्रेस वापस ख़राब हो जाएगी, और जब आप पहनने जाएंगे तो उस टाइम तक तो उसमें न जाने कितनी सारी सलवटें आ जाएंगी। तो ऐसे ड्रेस जो कि आप कभी कभी ही पहनते हैं, तो उनको प्रेस करके तुरंत ही पहने। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक शरारा ड्रेस लिया था जिसका कलर बहुत ही बढ़िया था, और मैंने कुछ जिप्पर बैग है मेरे पास जिसके अंदर मैंने कुछ साड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि फिसलती ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आप जिप्पर बैग का यूज कर सकते हैं। तो कपड़े तो मेरे फोल्ड हो चुके हैं, कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि फोल्ड के फोल्ड मैंने रख दिए हैं, उनको पूरा खोल के मैंने फिर से फोल्ड नहीं किया है। और एक जो होजरी वाले दुपट्टे होते हैं, उनको आप ड्रेस के बीच में रखेंगे तो फिसल जाते हैं। ऐसे में आप किसी बैग का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल जिपर वाले पॉलीथीन आते हैं ना, या फिर आप किसी अलग से ऑर्गेनाइजर बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। सारे कपड़े तो मेरे फोल्ड हो चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है इनको रखने के लिए, मैं कैसे इनको रखूँ। तो मैं एक काम करती हूँ कि जो मेरे कपड़े रेगुलर पहनने वाले होते हैं, उनको मैं जस्ट सामने रखूँगी, यानी कि आई लेवल पर, जहाँ से मैं ईजिली इनको निकाल सकूँ और रख सकूँ। तो फर्स्ट टाइम इस वार्डरोब में मैं कपड़े रख रही हूँ, तो बस यही सोच रही हूँ कि कहाँ पे कौन से कपड़े रखूँ। तो सबसे ऊपर मैंने रख दिए हैं जो मेरे प्लाजो हैं, पैंट है उनको रखा, ट्राउजर्स को, और 2 सेल्फ हैं छोटे, जिसमें मैंने एक में टी शर्ट रख दिया रेगुलर, और एक में मैंने मेरे प्लाजो या फिर पजामे जो होते हैं, जो घर पर पहनने के होते हैं, उनको रख दिया है। और नीचे की साइड में 2 सेल्फ बने हुए हैं लंबे, तो इसमें मैं नए जो कपड़े हैं मेरे वो रख रही हूँ, सूट हैं वो रख दूँगी। अगर आपकी वार्डरोब काफ़ी बड़ी है, तो बिल्डिंग बना के कपड़ों की ज़्यादा ना रखें, एक लाइन में आप 3 या 4 ड्रेस ही रखें, और इसके ऊपर आप जैसे जैसे कपड़े रखते जाएंगे, तो नीचे वाले कपड़े स्लिप होते जाएंगे और आपके कपड़े हैं वो जल्दी बिखर जाते हैं। जैसे कि आपके शिफॉन के कपड़े, होजरी वाले कपड़े, अलग अलग फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं ना, उनको अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन की जो कुर्तियाँ होती हैं, सूट होते हैं, आप उनको अलग रखें। आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि जो स्लिप ज़्यादा होते हैं, आप उनको कैसे भी फोल्ड करके रखें, वो फोल्ड होने का नाम नहीं लेते हैं। तो उन कपड़ों को आप हमेशा अलग रखने की कोशिश ज़रूर करें। सभी कुर्तियों के साथ हम प्लाजो तो नहीं खरीदते हैं, लेकिन हमेशा 2 ऑप्शन आप ज़रूर रखें, एक तो वाइट कलर और एक ब्लैक कलर, चाहे तो डार्क ब्लू कलर भी ले सकते हैं। तो ये 3 कलर आपके पास हमेशा होने चाहिए, जिसके ऊपर आप 80 से 90% कुर्तियाँ वो पहन सकते हैं, इसमें सब मैच हो जाती है। तो ये 2 कलर के जो प्लाजो होते हैं, वो हमेशा आप खरीद के ज़रूर रखें। तो काफ़ी मेहनत के बाद कभी कपड़ों को इधर किया, ऊपर रखा, नीचे रखा, तो फाइनल मैंने सोचा कि किस तरह से कंफर्टेबल हो पाती हूँ मैं इस वार्डरोब में। तो मैंने फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है, सारे कपड़े अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद मेरी वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है, और सारे कपड़े इसमें आराम से आ गए हैं। जब भी आप कपड़े रखते हैं अलमारी में जल्दबाजी में बिना फोल्ड करें, तो उनको आप वार्डरोब में रखने की बजाय आप कहीं बाहर उसको बास्केट में रखें, या फिर किसी दूसरे वार्डरोब में रख सकते हैं। और जब आपके पास टाइम हो, तो उस कुर्ती को या फिर उस कपड़े को फोल्ड करके अपने वार्डरोब में रखें। ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपकी वार्डरोब कभी भी ख़राब नहीं होगी और हमेशा इसी तरह से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो सबसे ऊपर मैंने कुछ टॉवल्स रखे हैं, कुछ ऐसे कपड़े जो कि मेरे
कभी कभी यूज में तो आएंगे। और कुछ पुराने कपड़े एक मैंने बास्केट में भर के रख दिए हैं, क्योंकि जब मेरा बेड खोलना होगा तभी मैं उसको अंदर रख पाऊंगी। तो इसमें मैंने सारे साड़ियों के जो पेटीकोट्स ब्लाउज होते हैं उनको रखा है। डेलीवेयर की कुर्ती पास में रखी है। ये वाला सेल्फ आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर प्लाजो, नीचे डेलीवेयर के, और ये आप देख सकते हैं सामने इसमें टॉप्स वगैरह रखे हैं, टी शर्ट रखे हैं जो आउटफिट के हैं। और ये मेरे जो नए ड्रेस हैं जो कि कभी कभी बाहर पहनने के काम आते हैं। और नीचे की साइड में मेरे डिलीवरी की थोड़ी कुर्ती मैंने रखती है, क्योंकि ऊपर उनकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा बन रही थी, तो कुछ कुर्तियाँ मैंने नीचे रखी हैं। और बास्केट में मैंने सारे दुपट्टे रखे हैं। और जींस तो आप देख सकते हैं, एक के ऊपर आप कितनी भी जींस रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा सलवटें नहीं आती हैं। और ये मेरी डिलीवरी की कुर्ती है। अगर आपकी वॉर्डरोब में स्पेस अच्छा है, लंबा है, तो उसमें आप लंबी साइज में भी कुर्ती फोल्ड करके रख सकते हैं, जिसमें सलवटे रिंकल्स हैं वो ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी वॉर्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है। अगर आपको आज के कुछ टिप्स अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल पर लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।